अच्छा रे जी, जैसे मुझे जो अब तक मैं समझा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि मन अपना सही जगह जानता है तो पूरे दिन वही ढूंढता रहता है। मन हर चीज़ में खाली भी बैठा है तो वो प्लेननेस, वो जो ब्लंटनेस अच्छी नहीं लगती है, वो फ्रेशनेस ही अच्छी लगती है। तो अपना ठिकाना मन ऐसा लगता है जानता है, तो वो पूर्णता का भाव बार बार छूट जाता है, आता रहता है गौर करने पे क्या छा गया कैसे, आता रहता है। तो जब वो पूर्णता सहजता रहती है तो कोई भी काम करता हूँ तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। इवन किसी से नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ, किसी चीज़ पे चर्चा चल रही है तो अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ वो पूर्णता छूट जाती है, वो तकलीफ़ फिर से वही काम बोरिंग लगने लग जाता है। वो इसलिए छूट जाती क्योंकि वो एक भाव है। असली पूर्णता, असली सहजता कोई भाव नहीं होते। भाव का तो काम है आना जाना, भाव तो मानसिक गतिविधि है, भाव तो यातायात है। मेंटल ट्रैफिक है भाव। भाव हो, आवेग हो, आंतरिक विचार हो, इनका क्या काम है? आना जाना। कोई भी भाव तुमको लगातार रहा है बचपन से आज तक? कोई भी भाव ऐसा है जो अभी है और अंत तक रहेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो जब तक पूर्णता तुम्हारे लिए भाव है, पूर्णता भी बाकी भावों की तरह आएगी भी और फिर चली भी जाएगी, गायब हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी पूर्णता गायब हो जाती है। पूर्णता भाव नहीं हो सकती, सहजता भाव नहीं हो सकती, सत्य कोई विचार नहीं होता, मुक्ति कोई ख्याल नहीं होता। पूर्णता में रहने का यही मतलब होता है कि नजरें पैनी रखो और अपूर्ण की ओर आकर्षित होने से बचो, बस इतना। तुम जीव हो, तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, तुम लगातार दुनिया के संपर्क में हो, तुम्हारी हस्ती ही दुनिया के साथ साथ है। और दुनिया में अधिकांशतः ऐसा ही है सब कुछ जो तुमको ये एहसास दिलाएगा कि तुम अपूर्ण हो। तो अपूर्णता एक भाव है, पूर्णता कोई भाव नहीं होती। अपूर्णता का भाव जहां से भी आ रहा हो, जहां को भी ले जा रहा हो, बस उससे बचना है। पूर्णता की बात एकदम नहीं करनी है क्योंकि पूर्णता कोई बात नहीं होती। अपूर्णता पर गौर करना सीखो। दुनिया अपूर्ण है और तुम भी अपूर्ण हो, और ये अपूर्ण और अपूर्ण आपस में मिलकर के बहुत उपद्रव मचाते रहते हैं। इस उपद्रव से सावधान रहो बस। क्या लगातार नजर रखनी पड़ती है बिल्कुल भी उस पे? लगातार नजर क्या रखनी पड़ती? कोई तुमको चिकोटी काटे पीछे से तो क्या तुम तत्काल चिहुक नहीं जाते? अपूर्णता के प्रति ऐसा ही हो जाना है तुमको कि कोई आकर के तुम में अपूर्णता के भाव का संचार करे तो तुम्हें चिकोटी जैसा लगे। तुमको कुछ गलत हुआ अभी अभी मेरे साथ, कुछ गलत हुआ मेरे साथ, कोई तुम्हें कुछ कड़वा पीने को दे दे तो जल्दी से थूक नहीं देते? अपूर्णता का भाव ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें तुरंत पता चल जाए कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ होने नहीं देना है, रुक जाना है, उसका वहीं पर निषेध कर देना है। अभी शुरुआत है तो खींचने लगती है चीज़ वो। हाँ, तो कि इसी से बचना है ना, इसी को सावधानी कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। प्रणाम आचार्य जी, मुझे आपसे कुछ जानना था अपने जीवन के बारे में। जैसे मैं बचपन से परिवार के सारे चलते जा रहा था, जैसे परिवार ने बताया वैसा ही। फिर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि जिस तरीके से परिवार जिस केंद्र पर चलता है या जिस तरीके से सोचता है, वो सब मतलब टूट जाते हैं। मतलब अभी कुछ ही साल पहले मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा परिवार पूरी तरीके से टूटने की कगार पे है, और जिस केंद्र के सहारे मैं अभी तक चलता था वो सब टूट गया। तो मतलब वहाँ से मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा लगता है मुझे स्टार्ट हुई कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मैं कि
कि कोई ऐसा केंद्र जिस पे मैं काम कर सकूं, क्योंकि ये जो केंद्र अभी था पिछले समय में तो वो सब टूट गया। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते केंद्र क्या हो सकता है तो आपसे परिचित हुआ। उससे पहले 2-3 बार मतलब ध्यान की विद्या भी की, पर ऐसा लगता था कि ध्यान की विद्या में कि बस ध्यान करने के बाद आपको आँख बंद करने के बाद सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, मतलब आँख खुली तो सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा बहुत गहरा दुख प्रतीत होता है जब वो मेरा केंद्र टूट गया था। तो ऐसा गहरे दुख को भरने के लिए मुझे अभी तक सहारा लेता हूँ मैं आपका, आपके वीडियोस का, आपके आपने जो ग्रंथ पे चर्चाएं की है उसका। ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भर रहा है, पर एक गहरी ये भी है कि मतलब पूरा भर पाएगा या नहीं। या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो ढर्रे पे मैं चल रहा हूँ, या मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब मैं जो टूट गए थे सारे बंधन मेरे पहले परिवार के, तो उस बंधन को न कोई और चीज़ को पाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। पर कभी कभी ऐसा लगता कि मैं भ्रम में तो नहीं हूँ। तो ये भ्रम और ये मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। जांचना पड़ेगा ना, जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रगति हो रही है उसको जांचो। आंतरिक प्रगति कोई अंदरूनी ख्याली एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होती। अंदरूनी प्रगति निश्चित रूप से तुम्हारे जमीनी बाहरी सांसारिक व्यवहार में और प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं आंतरिक रूप से उन्नत हूं लेकिन दुनिया के सामने पढ़ता हूं तो एकदम घबरा जाता हूं या संदेह में आ जाता हूं। अगर पता नहीं चल रहा है अपने बारे में तो अपने आप को कड़े अनुभवों में डालकर देख लो, वहां तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें साफ कर देगी कि कितने पानी में हो। अन्यथा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इंसान अपने बारे में मुगालते में रहता ही है। मैंने कई उपनिषद पढ़ लिए, अब तो मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूं। देखते हैं जीवन कोई परीक्षा की घड़ी सामने लाए और फिर तुम में भय न उठे तो जानना कि हाँ वास्तव में निर्भय हुए हो, वरना तो तुम्हारी निर्भयता बस एक ख्याल है। मैं तो किसी ऊंचे काम को बहुत समर्पित हूं। जीवन लाए कोई इम्तिहान तुम्हारे सामने और तब भी तुम अपने कर्तव्य को ही समर्पित रहो, तब जानना कि गीता और उपनिषद तुम्हारे काम आए। नहीं तो वो बातें इतनी सुंदर है ना ग्रंथों की, कि मन करने लग जाता है कि बस इन फूलों को ले करके अपना हार बना लो। फूलों का हार पहनना एक बात होती है और फूलों से लदा हुआ वृक्ष हो जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। श्री कृष्ण ने गीता में पुष्प वर्षा करी है, तुम उन फूलों को बटोर करके अपने लिए ताज बना सकते हो, पर वो ताज बहुत बाहरी, बहुत नकली, बहुत अनुपयोगी होगा।
असली बात तब है जब कृष्णत्व उठे तुम में, और कृष्णत्व की पहचान तो देखो कुरुक्षेत्र में ही होती है। तो मैं कह रहा हूँ अपने आप को कड़े अनुभवों से गुजारो। वहाँ होता है दूध का दूध, पानी का पानी। और आचार्य जी, अगर ये मतलब मेरा जो केंद्र था वो टूट गया तो केंद्र को कैसे स्थापित करें? केंद्र क्या होता है? एक ख्याल की बात कर रहा हूँ मैं, जमीनी चीज की बात कर रहा हूँ। केंद्र क्या स्थापित होता है? केंद्र माने क्या? केंद्र कोई भौतिक बिंदु है क्या शरीर के भीतर कि केंद्र क्या स्थापित करें? जिंदगी की चुनौतियों के आगे, संघर्षों के आगे अगर तुम मन को स्थिर रख सको तो तुम सही केंद्र पर खड़े हो, बात खत्म। केंद्र का निर्धारण तो स्थितियों और चुनौतियों को जो तुम्हारा प्रतिसाद होता है वही करता है ना, रिस्पॉन्स प्रतिसाद। नहीं तो बात बहुत विचित्र हो जाती है कि बैठे बैठे कह रहे हो मेरा केंद्र यहां है कि मेरा केंद्र यहां है, मेरा केंद्र खाली हो गया है। सड़क पर उतरो, जमीन की बातें करो।